संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष स्थल, विशेष ग्रंथ। विशेष व्यक्ति में जैसे रामचंद्र, महात्मा गांधी, सूरदास, कृष्ण आदि। विशेष स्थान में आगरा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि। विशेष स्थल ताजमहल, लाल किला, बिरला मंदिर आदि। विशेष ग्रंथ गीता, रामचरितमानस, बाइबल, कुरान आदि। तो ये सब क्या है हमारे विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष स्थल और विशेष ग्रंथ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, घोड़ा, कबूतर, मेज, सैनिक, नगर, पुस्तक, कुर्सी आदि। तो अगर मान लो जैसे हमने कहा लड़का, पशु, तो इसमें कोई एक स्पेशल लड़का और पशु की बात नहीं की जाती। लड़का मतलब दुनिया में जितने भी लड़के हों, ये लड़का क्या हो गया, जाति का नाम हो गया। घोड़ा क्या हो गया, जाति का नाम हो गया। सैनिक जाति, सैनिक एक हो चाहे अनेक हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, उसकी अच्छाई, बुराई, स्वभाव, अवस्था, इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, मिठास, जवानी, कड़वाहट आदि। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो इस तरह से संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा संज्ञा के दो भेद और भी माने गए हैं। जैसे कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव स्वरूप संज्ञा के दो भेद और भी बताते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, गेहूं, पीतल आदि, ये सब चीज़ें क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति, एक से ज़्यादा जब एक जगह पर एकत्रित होता है तो उसे हम समूह मतलब ग्रुप कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो समूहवाचक संज्ञा में समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, दल, परिवार आदि। तो इस तरह हमारे संज्ञा के भेद तीन, तीन के बाद दो भेद और माने गए हैं जिन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं तो अब उसे कैसे करते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जयचंदों से देश को बचाओ, तो जयचंद एक व्यक्तिवाचक है लेकिन इसको हम जातिवाचक में कैसे बदल देते हैं, मतलब कुछ स्वभाव से लिया गया। जैसे जयचंदों से देश बचाओ, यहाँ किसी एक जयचंद के बारे में नहीं बल्कि तमाम लोगों के बारे में बताया गया है। ये विभीषण देश को बेच सकते हैं, एक विभीषण नहीं बल्कि जितने भी विभीषण टाइप के लोग हैं उनके
बारे में बताया गया। तो ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जयचंद और विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, पर यहाँ उनका